नमस्कार। मैं एक गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और अभी गर्मी का छुट्टी है। गर्मी के छुट्टी के समय हम अपने गांव में आए हुए हैं और बिजली कटी हुई है, बहुत गर्मी है। और दरअसल ये जो गांव है वो गया जिले का अत्री थाने में है, जिस गांव का नाम है जेठियन। और हम बैठे हैं अपने इस बगीचे में, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में गर्मी लग रही थी। और बगीचा में पेड़ पौधे के पास जब आप बैठेंगे तो वहाँ आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होगा, आपको सुकून देगा, शांति देगा। और दूसरी तरफ देखिए, इधर है, थोड़ा काम चल रहा है अभी घर में, और यहीं पर हम बैठ के इस काम को भी देख रहे हैं और गर्मी से राहत भी पा रहे हैं। और इधर देखिए, ये अलग भाग है, यहाँ से फिर वो घर जो दिखलाई पड़ रहा है, यहाँ से पीछे के तरफ से है, और वहाँ से हम लोग अपने घर में चले जाते हैं। गांव घर में हरा भरा पेड़ पौधे रहने से गांव का मज़ा ही कुछ और होता है। और इधर देखिए, इधर कुछ लोगों कभी विशेष अवसर पर लोग बैठ जाते हैं, तो इधर देख रहे हैं हरा हरा जैसा ऐसा। तो इधर दो तीन लैट्रिन बना हुआ है, चापाकल है, जहाँ से कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो जाने में आसानी होता है। और चापाकल भी है, मोटर भी है, और लेकिन हम लोग घेवारी में जब इधर रहते हैं तो ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग चापाकल का ही करते हैं। देख रहे होंगे कि कितना हार्ड है अभी धूप, अभी लगभग 2:30 बजा है, 2:30-3 बजा है। उसके बाद देखिए धूप कितना है, और काम अभी चल रहा है। दरअसल आज एक बगल में एक चाची थी, उनका स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनका दशमा है। तो दशकर्म में हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि बाल दाढ़ी बना लिया जाता है, तो हम लोग अपने प्रथा, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के अनुसार हम लोग बाल जो है और दाढ़ी को हम लोग बना के और बैठे हैं। इसमें देखिए पपीता के पेड़ है। इस बार हम लोग बहुत, हमारे यहाँ बहुत पपीता रहता था, कम से कम 200 पेड़ से कम नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो भी पेड़ को हम लगाए वो एक भी पेड़ सफल नहीं हुआ, सब खराब हो गया। और देखिए कैसे कैसे छोटा छोटा वो करके, वहाँ भी देखिए और उधर भी देखिए और यहाँ देखिए, सब छोटा छोटा होकर के ख़राब हो गया। एक इधर देखिए पपीता का पेड़ को, देखिए ये सब छोटा होकर के ख़राब हो गया, बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं लिया। लेकिन केला देखिए, केला बगान में है, केला 5-6 घर है, अभी तैयार होने ही वाला है। दरअसल यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ हनुमान बहुत आता है, और जब फल लदा हुआ रहता है तो हनुमान जो है उस पर कूद जाता है पेड़ों पर, और पेड़ का बहुत नुकसान होता है, केला का बहुत नुकसान होता है। खाते कम है, बर्बाद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी वन्य प्राणी है, वो जाएगा कहाँ, हम ही लोग पर तो डिपेंड है। जंगल में तो ज़्यादा कुछ खाने का भी गर्मी के समय में कुछ होता नहीं है, तो अभी ज़्यादातर हनुमान है और बंदर है जो गाँव के आसपास ही रहता है। और इधर देखिए जामुन का पेड़ है, अभी बारिश नहीं हुई है इसकी वजह से जामुन पक रहा है, लेकिन उसका मात्रा थोड़ा कम है, कम पक रहा है अभी, जब बारिश हो जाएगी ना बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और इसको देखिए, पेड़ों में आम बहुत है, देखिए तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये ग्रामीण लाइफ स्टाइल है, आराम से गंजी पहन लीजिए, ट्राउज़र पहनिए और आराम से मज़ा लीजिए। या देखिए उधर सागर है जो पूरा ही और सब कर रहा है, वो भी पूरा मस्ती ले रहा है, देखिए दीवार पर चढ़ल है, उधर गया है।